तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, हम लोग लेके आए हैं एक छोटा सा पपी। मैं आपको दिखाती हूँ, वो ये देखिए गाइस, छोटा सा पपी। मैंने अभी इसको नहलाया है और ये अभी दूध पी के सो रहा था, तो मैंने इसको उठाया और ये देखो कैसे कांप रहा। अभी इसको नहलाया ना मैंने, हम इसको लेके आए थे। कैसे दिख रहा उधर जा, दीदी बुला रही तेरे को, जाओ जाओ जाओ, दीदी बुला रही तेरे को, जा चल, चलो 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 आ जाओ। देखो गाइस कैसे अंदर बैठ गया ये छुपके, हम नहीं बुला रहे तेरे को। अभी ये नया नया है ना, तो डर लग रहा है इसको हमसे। और इधर मेरी मम्मी धो रही है अपनी सारी साड़ियाँ। पहनती है नहीं मेरी मम्मी साड़ियाँ, लेकिन धोने का शौक हो रहा है ना मम्मी। हाय हाय मम्मी का हाय। गाइस मम्मी आपको हाय कर रही है, और दीदी हमारी यहाँ पर बैठी हुई है। तो चलते हैं दीदी दूध निकालने के लिए। चलो गाइस चलते हैं दूध निकालने के लिए, टाइम हो चुका है दूध निकालने का, तो चलिए चलते हैं। हेलो, कैसे हो तुम? तो पहले तो मैं सफाई कर देती हूँ, इन्होंने गोबर कर रखा है। पंखा बंद कर दे यार। तो गाइस इनको लग रही है अभी मक्खियाँ, क्योंकि हमने कर दिया है पंखा बंद, इसलिए इनको मक्खी लग रही है, इसलिए इसको बार बार मार रही। पर क्या करें, पंखा बंद करना ही पड़ेगा है ना। मेरी आवाज आएगी पंखा थोड़ा वैसे करके लगाएगा ना। गिरेगी बहुत परेशानी हो रही।
से अब इसका दूध कम हो गया। क्यों? पता नहीं, गर्मी के कारण हुआ होगा। गाइज हमारा टोनी भी घर आ चुका है और ये बैठा है गेट से बाहर। ये कह रहा मैं अंदर ही नहीं आता, जब तुमने उसको लिया है तो मैं अंदर ही नहीं आता, है ना टोनी? तो गाइज आजकल ना गुस्सा निकल रहा है सब जगह, तो धूल ना सारी उड़ के आ रही है और ये टाइले हैं इतनी गंदी दिखती है, इसमें पोछे मार दी शाम के टाइम, क्योंकि यहाँ पे बहुत गंदा हो रहा है। और फूल देखो कितने अच्छे फूल लग रहे हैं हमारे घर, और ये हमने लगाई करेले की बेल। और उसे देख कैसे सो रहा वहां, तो गाइस ये मेरा भाई भी आ चुका है। तो गाइस अंधेरा हो चुका है और हमने वहाँ पे जला दिया है गोहे, क्योंकि बहुत मच्छर हो रहे हैं तो इसलिए हमने गोहे जला दिए। और हम मैं और दीदी बना रहे हैं अब खाना। मैं दाल चावल बना रही हूँ और दीदी बना रही है लहसुन की चटनी। लहसुन की चटनी बनाएंगे आज, क्योंकि ज़्यादा कुछ तो हैवी खाना नहीं, गर्मी है ना इसलिए, तो इसलिए लहसुन की चटनी और थोड़े से दाल चावल, बस वही अपना सिंपल सा खाना। ये गए मेरे प्याज। और इधर बन रही है चटनी, हमने अपने घर की मिर्ची सुखा रखी है, तो ये ज़्यादा रेड नहीं है, ये ऐसी सूखी भी है, तो हम इन्हीं का बनाएंगे। गाइस मेरी दाल में भी सीटियां लग चुकी हैं और इधर मैंने चावल भी चढ़ा दिए और हमारी चटनी भी बन चुकी है। चटनी देखने में इतनी टेस्टी लग रही है ना, वाओ। लहसुन की और इसमें एक टमाटर डला है तो इसमें और टेस्ट आ गया, ये देखिए। गाइस चटनी खा लीजिए, हम तो खाएंगे आज दाल चावल और चटनी। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड नाइट।